साथियों, चुनावी सरगर्मियों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, बांसवाड़ा का चुनाव, इन मामलों के अंदर कई बार मुद्दों की बातें दब कर रह जाती है और आज एक ऐसा ही ज्वलंत मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। मामला है बेशकीमती जमीन के विक्रय का। उदयपुर की नामी संस्थान विद्या भवन संस्थान द्वारा बेची गई जमीन के मैटर में, यहां पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपील करना चाहूंगा प्रत्येक समाजसेवी से, प्रत्येक जागरूक नागरिक से, विद्या भवन संस्थान से भी जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों पदाधिकारियों के से कि इस वीडियो का अंतिम भाग जरूर देखना, क्योंकि वहां पर स्पेशली मैं एक अपील करना चाहूंगा आप सभी से। अब आते हैं मुद्दे पर। साथियों, जब भी हम हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए कोई बात आम जनता के सामने रखते हैं तो वो तभी रखी जाती है जब हमारी बातों में दम हो और हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हो, और आज इन्हीं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विद्या भवन संस्थान की बेशकीमती जमीन जो विद्या भवन के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी मेहता और उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी चौधरी द्वारा अपने हस्ताक्षरों और विद्या भवन की मोहर के साथ उन्होंने बेच दी उदयपुर के ख्यातनाम डॉक्टर अजय मुर्डिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा जी मुर्डिया को। अब सोचने की बात है कि सर, जमीन बेची है, इतनी कौन सी बड़ी बात है कि उसके लिए आपको इतनी बड़ी बात कहनी पड़ रही है। तो साथियों, ये जमीन जो है यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है, 4.25 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है और ये जमीन विद्या भवन संस्थान के विद्या भवन बुनियादी मदरसा के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसको विक्रय किया गया। और इस वीडियो को बनाने से पहले हमने उनको अपना पक्ष रखने के लिए बाकायदा एक लेटर दिया था कि आप यदि इस बात पर क्या कहना चाहते हैं आप अपना पक्ष रखें, यदि आप सही हैं तो हमें वो दस्तावेज उपलब्ध करवाएं जो हम आपसे चाहते हैं। पत्र प्राप्त हो जाने के बाद, नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद उनके द्वारा कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, जबकि एक लोकतांत्रिक संस्था को यह चाहिए कि जब भी उसके ऊपर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आरोप यदि प्रत्यारोपित करते हुए कि दस्तावेजों की मांग करता है तो वह दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, दस्तावेज क्यों उपलब्ध नहीं करवाए गए आप बखूबी समझ गए होंगे। अब एक बात कहूंगा कि उदयपुर की विद्या भवन संस्थान एक नामी संस्था है, न केवल उदयपुर शहर, न केवल राजस्थान और न केवल भारत, अपितु विदेशों में भी यह अपनी सफलता के परचम लहराती है, जिस कारण न केवल भारत से अपितु विदेशों से भी डोनेशन प्राप्त होता है विद्या भवन संस्थान को। आजादी से पूर्व निर्मित इस संस्थान के प्रमोटर और फाउंडर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता है, जिन्होंने की शिक्षा, कला, संस्कृति और विभिन्न प्रकार की कृषक योजनाओं को लेकर इस संस्था का निर्माण किया। अपने मेहनत से इस संस्था के सदस्यों ने, मैं बात कर रहा हूं आजादी से पहले के उन संस्थापकों की, उन संचालकों की, और उसके पश्चात जितने भी कर्मयोगी लोग इसमें आए उन्होंने अपनी भरसक मेहनत की और भरसक मेहनत से विद्या भवन को वह आयाम दिलाया कि आज देश विदेश से विद्या भवन को फंडिंग प्राप्त होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि उदयपुर प्रशासन से भी ज्यादा यदि जमीन का विस्तार किसी के पास है तो वह आज उदयपुर में विद्या भवन संस्थान के पास है। विद्या भवन एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जिसकी अंतिम बैलेंस शीट की बात की जाए या किसी भी वर्ष की फाइनेंशियल बैलेंस शीट की बात की जाए तो वह आपको करोड़ों और अरबों में देखने को ही मिलेगी। यदि डोनेशन की बात करें तो एक दशक यानी कि पूरे 10 सालों के दौरान कोई ऐसा समय नहीं गया जहां लाखों और करोड़ों में विद्या भवन को डोनेशन प्राप्त नहीं हुआ। हम जो भी बात कर रहे हैं वह दस्तावेजी साक्ष्य पर कर रहे हैं और जिसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो जब करोड़ों रुपए का डोनेशन विद्या भवन सोसाइटी को प्राप्त हो रहा है और सोसाइटी एक्ट में भी क्लियरली मेंशन है कि सोसाइटी के किसी भी लाभ में कोई भी सदस्य
कोई भी पदाधिकारी अपना हित नहीं रखता है। और ऐसी स्थिति में जब विद्या भवन संस्थान शीर्ष पर है तो ऐसी कौन सी आफत आ गई जब उसकी बैलेंस शीट करोड़ों की बोल रही है, लाखों रुपयों में प्रतिवर्ष उनको डोनेशन आ रहा है, तो उन्हें अपनी बेशकीमती जमीन बेचनी पड़ी। यह बात सोचने की है। साथियों, 10 मार्च 2021 को जब सारा देश कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था, भारत सरकार और राजस्थान सरकार और विभिन्न नामी संस्थान कोरोना के लिए अपने अपने स्तर पर जनता को सुविधा मुहैया करा रहे थे, ऐसी स्थिति में जहां एक दूसरे से मिलने से भी डर लगता था, उस दौरान 10 मार्च 2021 को पौने 4 लाख वर्ग फीट जमीन को विक्रय करने के लिए एक निविदा, एक टेंडर जारी किया जाता है। जनता की नजर में ही वो टेंडर नहीं आता है, कुछ एक दो महीने बाद उसी टेंडर को पुनः जारी किया जाता है और उसमें कोरोना का हवाला लिखा जाता है और उस टेंडर को पुनः जारी किया जाता है। उसके पश्चात उसी टेंडर के अंदर अलग हस्ताक्षरों में और कुछ टर्म एंड कंडीशन को चेंज करते हुए 8/9/2023 को बिना संशोधन अंकित किए कि पहले हमने इस संदर्भ में कोई निविदा जारी कर रखी है, एक और निविदा जारी हो जाती है। ये कहना तो लाजमी है कि कुछ रसूखदारों को छोड़कर, कुछ नामी लोगों को छोड़कर आम जनता तक या अन्य भू व्यवसायियों तक यह खबर भी नहीं जाती है कि 4.25 लाख वर्ग फीट की जमीन विद्या भवन सेल करना चाहता है और वहां पर कुछ गिने चुने लोग मौजूद होते हैं और यहां पर डील होती है। अब धनाढ्य लोगों की कमी तो उदयपुर शहर में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है और कई भू व्यवसायी तो ऐसे हैं जो इस प्रकार की जमीनों की तलाश करते हैं, चाहे वो उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदनी पड़े। ऐसी स्थिति में आरक्षित दर से मात्र कुछ राशि ज्यादा पर यह जमीन क्यों बेच दी जाती है और क्यों इस जमीन की रजिस्ट्री, जिस जमीन को बेचने के लिए 2021 में निविदा जारी की गई, वह 2023 के अंत में उपरिष्टार कार्यालय में रजिस्टर्ड की जाती है। आखिर उपरिष्टार कार्यालय में भी क्यों उन दस्तावेजों को गौर नहीं किया गया, यह सवालिया निशान है। अगर देखा जाता कि अगर इस निविदा की सूचना आम जनता तक जाती, सभी भू व्यवसायियों तक जाती, तो लाइन लग जाती इस जमीन को खरीदने में और जो जमीन की जो आरक्षित दर रखी है उससे 4 गुना अधिक में यह जमीन विक्रय हो सकती थी, लेकिन न जाने कौन से अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशन करवाई गई जो कि लोगों तक पहुंची नहीं। 4.25 लाख वर्ग फीट की जमीन 42 करोड़ 80 लाख में उदयपुर के ख्यातनाम डॉक्टर अजय मोडिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मोडिया के नाम से विक्रय कर दी जाती है और विक्रय करने वाले जो होते हैं अधिकृत रूप से वह सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कब और क्यों किस मैटर में आता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे कंपनी हो चाहे सोसाइटी हो, सभी जानते हैं कि उपाध्यक्ष का रोल क्या रहता है। और स्वतंत्र गवाहों की बात करें तो वहां पर भी कुछ सवालिया निशान जरूर लगते हैं। अगर यही बात आम जनता के सामने आती, अन्य भू व्यवसायियों के सामने आती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने आती, तो हो सकता यह जमीन जो आरक्षित दर रखी गई उससे 4 गुना या 5 गुना में भी अधिक में बिकती। लेकिन क्या यह जमीन बेचने का हक विद्या भवन सोसाइटी को है? क्या नियमों का पालन किया गया? किन नियमों को ताक पे रखा गया, उनके बारे में हम और आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह बात हम आज अपने YouTube चैनल पर क्यों साझा कर रहे हैं? विद्या भवन संस्थान किसी की निजी मिल्कियत नहीं है कि जो चाहे इस संदर्भ में निर्णय ले ले। सरकार के अधिनियमों के तहत संचालित होने वाली संस्था को अपने बायलॉज, अपने नियमों, अपने विनियमों और अधिनियमों के तहत जाकर ही कोई प्रक्रिया करनी पड़ती है। विदेशों से डोनेशन प्राप्त करने वाली, करोड़ों की बैलेंस शीट रखने वाली विद्या भवन को यह
जमीन क्यों सेल करनी पड़ी, यह सोचने का विषय है। और सोचने की बात यह भी है, क्या इससे पहले भी कोई जमीनें इस प्रकार विक्रय हुई है या भविष्य में विक्रय होने वाली है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा आपको, आपके दिमाग सोचने लग जाएगा कि जब हम कोई 500 या 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदते हैं और 10 लाख रुपए में उसकी डील होती है तो उसकी रजिस्ट्री 5 या 6 लाख में होती है, कभी कभी तो 3 लाख में होती है। तो बाकी का जो अमाउंट है उसका ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है कहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी की तीन वैल्यू मानी जाती है, एक डीएलसी दर जिसे कि सरकारी रेट कहा जाता है, एक रिलायबल रेट जो कि माना जाता है कि रिलायबल वैल्यू है कितने में बेचना चाहिए, और तीसरी होती है मार्केट वैल्यू। अब यहां पर सोचना होगा सरकार को, प्रशासन को, उप रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि आखिर विद्या भवन संस्थान अपनी जमीनों को बेचने पर क्यों आमादा है, क्यों ऐसी आफतें आ गई जिनका जिक्र खुले रूप से उनके द्वारा किया ही नहीं गया, क्यों आखिर उनके द्वारा किसी पत्र का जवाब ही नहीं दिया गया। साथियों, यह बेशकीमती जमीन जो उदयपुर की हद में स्थित है, ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है तो इस जमीन को बेचना पड़ा। विद्या भवन की जिस जमीन से शिक्षा का नया संचार हो सकता था, नए शिक्षा के इंस्टीट्यूट खुल सकते थे, विकास की नई गंगा उदयपुर में बह सकती थी, विद्या भवन अपने कार्यों का विस्तार कर सकता था, आखिर क्यों इस जमीन को बेचना पड़ा। कुछ जिम्मेदार नागरिकों द्वारा जब हमें इस मुद्दे पर अवगत कराया गया तो विद्या भवन द्वारा इन बेशकीमती जमीनों को बेचने के संदर्भ में कुछ भी बोलने से पहले हमने दिनांक 1/4/2024 को विद्या भवन को इस बाबत का पत्र दिया और कुछ दस्तावेज चाहे गए। इस मामले में कोई जवाब न देने पर जो क्रेतागण है विक्रेतागण है, यानी कि अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय, जो विक्रेतागण है यानी कि डॉक्टर अजय मुर्डिया साहब और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, तो उनके विधिक उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर क्षितिज मुर्डिया साहब को, और दोनों ही गवाह जो कि श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी बारट और श्रीमती वनिता ओझा है, इनको भी नोटिस दिया गया कि इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखें। बावजूद न कोई जवाब दिया गया और न ही कोई दस्तावेज सुपुर्द किए गए, तो सोचना लाजमी है कि आखिर उनके द्वारा क्यों जानकारी नहीं दी गई और क्यों इनकी जो कमियां थी उन कमियों पर न उप रजिस्ट्रार साहब भड़काव की नजर पड़ी और न ही डिप्टी रजिस्ट्रार सहकार संस्थान की इन पर नजर गई। तो साथियों, क्यों इन जमीनों को बेचा गया, इन जमीनों को बेचने में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिन कमियों के बारे में हमें आपको बताना है, और साथ ही विदेशों से किस रूप से फंड आता है उसका पूरा ब्यौरा इनकी बैलेंस शीट के साथ, इनकी एफसीआर रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने जल्द आपके सामने रखेंगे कि क्यों रजिस्ट्री में ऐसी बातें मेंशन है जो खुले रूप से ये बताती है कि इस विक्रय में अनियमितता हुई। सोसाइटी को अपनी जमीन बेचने के लिए किन नियमों विनियमों अधिनियमों का पालन करना पड़ता है वह भी आपके सामने उजागर होगा। क्या सोसाइटी जमीन बेच सकती है, इस मामले पर भी हम आपका पक्ष रखेंगे, और क्यों इस जमीन के विक्रय के बारे में संस्थान के अध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष द्वारा या फिर विक्रेता जो क्रेतागण है उनके द्वारा अपना पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा है, आखिर क्या है बड़ा मामला जो हम आपको उस मामले से अवगत कराएंगे, कौन से नियमों को ताक पर रख दिया गया उनके मामलों से भी आपको अवगत कराएंगे, और साथ ही इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करते हुए हम इस मामले में वर्तमान बोर्ड को भंग करने की मांग करेंगे, एडहॉक कमेटी प्रशासन नियुक्त करने की मांग करेंगे, नए चुनाव एडहॉक कमेटी के रूप में प्रशासन द्वारा कराया जाए, और ताकि कम से कम आने वाले समय में विद्या भवन की जमीनों को इस रूप से न बेचा जाए। साथ ही एक बात कहूंगा कि इस मामले में हमारे द्वारा एक ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके मेन रूप से भेजी जा रही है दस्तावेजी साक्ष के आधार पर, और वो क्रमशः भेजी जा रही है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मामला गंभीर होता है तो वहां पर सामान्य तरीके से की गई कोई कार्रवाई काम नहीं आती है। साथियों, तो यहां पर हमारे द्वारा मैं उदयपुर की जनता से भी ये कहूंगा कि इस मामले में आपको एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि उदयपुर विद्या भवन की संस्थान, उदयपुर की तमाम जो
नागरिक है उनका भी उनके अधिकार बनता है, क्योंकि वह एक सामान्य जगह नहीं है, वह विद्या भवन की जगह है, और विद्या भवन की जो जगह है वह किसी एक सोसाइटी मेंबर या किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष की नहीं हो सकती है साथियों। तो यहां पर हमारे द्वारा मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, रजिस्ट्रार महोदय सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, उपरिष्ठ महोदय उपरिष्ठ कार्यालय, इसके पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय, इसके अलावा एसओजीएन एटीएस को भी इस संदर्भ की सूचना प्रेषित की जाएगी, और साथ ही एससीबी को भी इस मैटर में हमारे द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथियों मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी संस्थान नियमों को ताक पर रखकर किसी जमीन का विक्रय नहीं कर सकती है। और एक अपील करना चाहूंगा उदयपुर की जनता से भी, विद्या भवन संस्थान से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी है, जो तमाम कर्मचारी है, जिनको लगता है कि हमारी बात में दम है, कुछ गलत हुआ है, जिनको यह एहसास है और जिनको अंदरूनी जानकारियां है, यदि वह कोई दस्तावेज कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी NAREN नरेन JOSHI 339@gmail.com, रिपीट कर रहा हूं NAREN JOSHI 339@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं, 9460344100 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका नाम और आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, आपके नाम को साझा नहीं किया जाएगा। कोई भी अंदरूनी जानकारी यदि आपको लगता है कि आपको देनी चाहिए तो आप हमें साझा जरूर करें। और साथ ही इस रजिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी अनियमितताएं हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जो पूरी तरीके से इसको इलीगल प्रमाणित करती है, वह डिटेल वीडियो हम हमारी इस कार्रवाई करने के बाद में जनता के सामने साझा करेंगे। वैसे तो किसी भी एडवोकेट से जब ये रीड कराएंगे तो वह इनको इजीली बता देंगे कि आखिर तुमने कौन सी भूल की है इसके अंदर, आखिर तुमने अपनी प्रॉपर्टी को विक्रय करने, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, इस प्रॉपर्टी को बेच देने के अंदर कौन से नियमों को ताक पर रख दिया है जो अब तुम पूरा नहीं कर सकते हो। अगर चाहे तो ये बात अलग है कि विद्या भवन इस जमीन के विक्रय को पुनः कैंसिल करे, और कैंसिल करते हुए अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाए कि इस जमीन का विक्रय हमारे द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जमीन पुनः विद्या भवन बुनियादी मदरसा के नाम पर, जो कि एक शैक्षणिक संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड थी, तो देखा जाए तो उसी नाम से पुनः आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस मामले में बड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी, और साथियों इसी प्रकार के जनहित मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं। तो मेरी अपील है उदयपुर की जनता से, हर एक व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को इस वीडियो को भेजे, सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है उनको शेयर करें, इसी वीडियो को ट्वीट करें और जगह जगह इस वीडियो तक पहुंचाएं, क्योंकि आज विद्या भवन की ये जमीन गई है, कल दूसरी जाएगी, इसी प्रकार कोई तीसरा संस्थान इस प्रकार का काम करेगा और उदयपुर का विकास जो कि उन्नत होना चाहिए वह धीरे धीरे भू व्यवसायियों के कब्जे में आ जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पसंद किया, ये तो केवल पार्ट वन है, पूरे 10 वीडियो इस मामले में हम पोस्ट करेंगे, तो अगला वीडियो बहुत जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि 2023 के अंत में यह जो रजिस्ट्री विद्या भवन संस्थान की ओर से की गई है, इसमें आखिर कौन सी ऐसी कमियां हैं जो पूरी तरीके से इस रजिस्ट्री पर सवाल खड़े करती है और इस रूप में किसी भी जमीन को विक्रय बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो पर आपके जो भी कमेंट्स हैं आप निश्चित रूप से पोस्ट करें, यह डरे नहीं कि मामला एक बड़ी संस्थान से लड़ने का है, जब हक की बात आएगी तो बोलना तो पड़ेगा उदयपुर की जनता को, और अधिकारियों को भी बताना पड़ेगा कि मामला क्या है, और इस तरीके के मामले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो मैं एक बार फिर अपील करना चाहूंगा उदयपुर की तमाम जनता से,
विद्या भवन के तमाम कर्मचारियों पदाधिकारियों से यदि आपको लगता है कि यह बात गलत है तो विद्या भवन के प्रत्येक ग्रुप में भी शेयर कीजिए और इससे संबंधित जो भी जानकारियां है हमें ईमेल पर प्रोवाइड कराए, हमें व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराए, क्योंकि जितनी मजबूत हमारी पीआईएल और कार्रवाई होगी उतनी सटीक कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में उदयपुर के भविष्य के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ न कर पाए। तमाम जनता से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। अगला पार्ट बहुत जल्द आपके सामने पेश होगा।